सॉरी यार आपको वेट कराया है। अभी अभी पहुंचा। ये जी आगे हमारा रिवर साइड, ये आप देख सकते हैं रिवर सूखा हुआ है सारा। अच्छा मेरे जीएस का भी नाम आप रिकमेंड कर दें, कौन सा हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ुल्करनैन मोटो व्लॉग। तो चलते हैं जी राइड पे। इब्राहिम भाई की अचानक घंटी आ गई है कि भाई साहब राइड पे चले। मैंने कहा कि ये बहाना तो हमें मिलना चाहिए, बाइक के राइड और हम ना करें ये हो भी नहीं सकता। तो इब्राहिम भाई ने कहा है कि आप 5 मिनट बाद निकलें और मुझे फॉलो करें, यहाँ से हमने दरिया की साइड पे जाना है आज। तो राइड भी कर लेते हैं, रनिंग भी हो जाएगी और गपशप भी हो जाएगी। तो चलते हैं इंशाल्लाह अपनी राइड की। तो चलते हैं जी। इब्राहिम भाई को मैंने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं, वो इंतज़ार में ठहरे होंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, होंगे पहले पिक करते हैं और उसके बाद चलते हैं राइट तरफ। फाइनली जी हम आ चुके हैं, देखते हैं इब्राहिम भाई कहाँ ठहरे हैं। तो कहा तो मैंने यहाँ का था उन्हें, तो चलते हैं थोड़ा आगे, वो ठहर गए होंगे। असल में मुझे काफ़ी देर हो गई है जिसकी वजह से इब्राहिम भाई या तो चले गए हैं या तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं आगे भाई साहब क्या होता है, इब्राहिम भाई ठहरे हैं या चले गए हैं। इब्राहिम भाई लगता है चले गए हैं यार, चले गए हैं। आज लगता है मुझे अलोन राइड करनी पड़ेगी, बस चले गए हैं वो। खफा तो नहीं हो गए शायद? चले व्यूअर्स आप भी साथ हैं तो फिर आपको ही साथ मनाना पड़ेगा। ये लग तो रहे हैं इब्राहिम भाई सामने से। हाँ 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 बस ठहर गए, ठहर गए, आ गया आ गया इब्राहिम भाई सामने। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई सॉरी यार आपको वेट करा है। अभी अभी पहुँचे। अच्छा अभी पहुँचे हैं, फिर मुझे पहले ऐसे आपने कहा है। चले फिर। तो जी ये इब्राहिम भाई की जीएस, इन्होंने केयर छोड़ दी है, पता नहीं क्यों छोड़ दिया, क्यों केयर छोड़ी है। हाँ नहीं यार आपने बिल्कुल इसी केयर छोड़ दिया, पैदान भी आपने नहीं लिखवाया, फुल ड्रेस पता नहीं गोदाम में पड़े थे वो डार के पास। हाँ वो नहीं निकालेंगे, ये बताओ आप। ये जी आगे हमारा रिवर साइड, ये आप देख सकते हैं रिवर सूखा हुआ है सारा। फाइनली जी पहुंच गए हैं, ये दरिया की साइड है हमारी, आप देख सकते हैं दरिया काफी ज्यादा ड्राई हो चुका है और अब यहाँ पे सारे खेत आ चुके हैं। ये जी हमारी शहजादी ठहरी है और ये इब्राहिम भाई की जीएस। इब्राहिम भाई मैंने व्यूअर से भी पूछा है, आप भी बताएं कि अपने बाइक का नाम क्या रखें। आपने तो नहीं रखा, मैं तो रखना चाहता हूँ। तो ये जी इब्राहिम भाई का जो है ये दरिंदा जीएस है। और अच्छा मेरे जीएस का भी नाम आप रिकमेंड कर दें, कौन सा हो? कोई सोच के बताएं जो नाम, क्योंकि एक बार रख दिया जाए ना तो वो फिर हर वक्त फेमस हो जाता है, वही रखना पड़ता है। फिर इसका नाम व्यूअर्स आप ही बताएं और इब्राहिम भाई भी हमें बताएंगे कि हमारी शहजादी का क्या नाम रखें। आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बताना है। जो इब्राहिम भाई की जीएस है इसने रखा है दरिंदा जीएस। वाह जी वाह, नाम देखें अल्लाह। पहले इनका जो CB150F था वो हफ्शी ब्लैक था और ये दरिंदा जी। इब्राहिम भाई के जो नाम है बाइक के ये बड़े ही मुख्तलिफ से नाम होते हैं, बाकी अब हम लेकिन नाम रखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत नाम रखेंगे और डिसेंट नाम रखेंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि हम ना हफ्शी रखेंगे ना दरिंदा रखेंगे, बल्कि खूबसूरत सा नेम, प्यारा सा नेम।
ये जी चलते हैं, आप काफ़ी देर गपशप लग गई है, तो इब्राहिम भाई ने कहा कि सोडा वाटर पी लेते हैं, तो चलते हैं वो पी के फिर इंशाल्लाह। अली जी, मैं और इब्राहिम भाई आए हुए हैं सोडा वाटर पीने। इब्राहिम भाई क्यों तकलीफ है यार? गर्मी लग रही थी, लाइट की कमी हो गई थी। हाँ, कैल्शियम की कमी नहीं हुई? टेस्ट तो वाकई मजा आ रहा है यार जी। बस अब निकलते हैं, इब्राहिम भाई ने सोडा पिलाया, बड़ा ही मजा आया है, राइड भी हमने एंजॉय किया, तो अब चलते हैं इंशाल्लाह घर की तरफ। भाई मिलते हैं। फाइनली जी हम घर आ चुके हैं, और उम्मीद है आपको आज की राइड बहुत पसंद आई होगी हमारी। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को आगे शेयर करते रहें, ताकि हम इस तरह की ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।